बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कराची का मशहूर अंडा शामी कबाब बर्गर बहुत ही आसान तरीके से और बजट में रहते हुए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 अंडे, 3 टेबलस्पून के लगभग दूध, थोड़ा सा नमक और वाइट पेपर। आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारे ऑमलेट अच्छे से फूले फूले बने। अब एक पैन में 3 टेबलस्पून के लगभग ऑयल डालेंगे और उसमें डालेंगे शामी कबाब, जिनको मैंने पहले से बना के फ्रीज़ किया हुआ था। अगर आपको शामी कबाब बनाने नहीं आते तो इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। शामी कबाब अगर आपके पास फ्रीज़ किए हुए रखे हों तो बर्गर बनाने में देर नहीं लगती, हार्डली 5 मिनट लगेंगे और इसको फ्राई होने में। और इसी पैन में हम ऑमलेट तैयार कर लेंगे। तो फ्लेम इस वक्त हाई रखेंगे क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है। तो पैन को रोटेट करते हुए हम इसे फैला लेंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। 2 अंडों से हम 4 ऑमलेट बना के तैयार कर लेंगे। अगर हम इसे अलग अलग अंडों से बनाते तो हमें अंडे ज़्यादा यूज़ करने पड़ते। तो यहाँ पे हमने 2 अंडों से आसानी के साथ 4 ऑमलेट बना लिए हैं। अब हम बन लेंगे और इसको शार्प नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे सेंटर से। आप लंबे वाले बन भी ले सकते हैं। इनको अब हम हल्का सा सेक लेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इतना सा ही हमारा कुकिंग का काम है। अब हम सैलेड तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने सब्जियों को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। मैंने लिए हैं शिमला मिर्च और प्याज, और साथ में लिए हैं टमाटर और खीरे के स्लाइस। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे कैबेज, कैरेट या स्वीट कॉर्न्स वगैरह। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे प्याज और शिमला मिर्च, और इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए और कंबाइन करने के लिए हम इसमें डालेंगे